टीवी के गजब खबर लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। ये बहुत ही स्पाइसी और तीखी खबर है और ये खबर है बिग बॉस सीजन 14 से रिलेटेड। नहीं नहीं हम कंटेस्टेंट लिस्ट तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस खबर में हम बताएंगे कि वो दो कौन से शोज होंगे जो ऑफ एयर चले जाएंगे बिग बॉस की वजह से। जैसा कि आप सभी जानते हैं अगले महीने बिग बॉस का 14 सीजन कलर्स पे लॉन्च होने वाला है, तो कलर्स के जो टीम है, जो प्रोग्रामिंग टीम है, उन्होंने रीशफल करना शुरू कर दिया है प्रोग्रामिंग को। इस शो को उठा के उस स्लॉट पर रखेंगे, इस शो को उठा के दूसरे स्लॉट में। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका नया शो मंडे को लॉन्च हो रहा है, पिंजरा खूबसूरती का, वो 9 बजे आ रहा है, तो बाकी जितने शोज थे वो आधे आधे घंटे आगे जा चुके हैं। तो लेटेस्ट खबर हमें ये मिली है कि दो जो शो है रिसेंटली लॉन्च शो है कलर्स के, वो ऑफ एयर होने वाले हैं। फैंस को सुन के शायद उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि ऑफ कोर्स फेवरेट शो है, अगर वो ऑफ एयर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये अपडेट इससे पहले हम दे, अगर अभी तक आपने गजब खबरों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या वेट कर रहे हैं, सारी खबरें यहीं मिलेंगी और अलग चटपटी खबरें मिलेंगी, बासी खबर नहीं देंगे हम आपको। जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, हिट किया ना। चलिए अब हम रिलेटेड बात करते हैं बिग बॉस का। बिग बॉस का अगला सीजन सितंबर में शुरू होने वाला है। पिछले सीजन जैसे कि आप सभी जानते थे 10:30 बजे आया था, 10:30 बजे शो ने धमाल मचा दिया था। टीआरपी लिस्ट में शो ने डिस्पाइट बीइंग एयर्ड एट लेट नाइट स्लॉट, 10:30 बजे के स्लॉट में एयर होने के बावजूद शो ने काफ़ी अच्छी टीआरपी बटोरी थी। वीकेंड्स में ही नहीं, वीकडेज पे भी इस शो ने काफ़ी जादू किया था। जी हाँ, जादू, जादू से याद आया। अब हम आपको नाम बता देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं कि वो दो शो कौन से हैं जो ऑफर होने वाले हैं। आपको याद होगा कि कलर्स ने इस साल दो शो लॉन्च किए थे। पहला शो है नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी। जी हाँ, इस शो में रिया शुक्ला है, वो नाटी पिंकी का किरदार निभा रही है। शो तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा चला था, मतलब ये रिश्ता कहलाता है कुंडली भाग्य के मुकाबले तो ठीक ही चला था, लेकिन जब से वापस लॉकडाउन में आया है शो की टीआरपी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इस हफ्ते की टीआरपी 0.6 थी, लगता है मेकर्स डिसीजन ले लिया है और खबरें आ रही हैं कि ये शो बंद हो जाएगा बिग बॉस की वजह से। जो अगला शो बंद होने की कगार पे है वो है पवित्र भाग्य। एकता कपूर का ये शो जो 2 मार्च को लॉन्च हुआ था, शो में है अनेरी वजानी और कुणाल जयसिंह। शो उतना नहीं चला। इश्कबाज फेम हमारे, जी हाँ, इश्कबाज के उपतारा थे कुणाल जयसिंह थे, उसके बावजूद ये शो नहीं चला। सुरभि चांदना लेकिन हमारी नागिन बन के कलर्स पे आ चुकी है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से करिए।